हार्डी वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ईयर। हेलो दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का इस टेक देखो के चैनल पे स्वागत करता हूँ, एक गुड न्यूज के साथ, एक खुश खबरी के साथ। अभी तक अपने को रिलायंस जियो की सिम चाहिए होती थी तो अपने पास दो तीन ही ऑप्शन हुआ करते थे। या तो जाइए आप रिलायंस के पास, रिलायंस ब्रांड का जो लाइव ब्रांड का स्मार्टफोन है उसे ले लीजिए, उसके साथ में रिलायंस जियो की सिम मिल जाती थी, या फिर किसी भी रिलायंस एम्प्लॉयज से जाके इन्वाइट ले लीजिए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप सैमसंग के मोबाइल में भी, कुछ गिने चुने सैमसंग के मोबाइल पे रिलायंस जियो की सिम भी मिल रही थी। आईफोन में भी ऐसी न्यूज आई थी कि मिल रही थी, उसका भी एक वीडियो बनाया था, ऊपर सोलिंग दिखेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आपको एक लेटेस्ट गुड न्यूज मिलने वाली है। आपके पास चाहे जो भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो सभी पे ये वर्क करेगा। आपके पास अगर एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो आप रिलायंस जियो की सिम ले सकते हैं। कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आपको ऐसे डायरेक्टली बताऊं, लेकिन उससे आपको हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पता नहीं चले, हो सकता है कि आप पूरा का पूरा प्रोसेस सही तरीके से नहीं कर पाए। मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, पूरी डिटेल प्रोसीजर बताऊंगा और फाइनली आपको जान पाओगे कि किस हिसाब से आप ये जो भी है प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपको रिलायंस जियो की सिम मिल जाएगी। तो चले देखने कि कैसे बनता है ये, चलते हैं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप माई जियो का जो ऐप होगा आपके यहाँ पे उसे ओपन कीजिए। जैसे ही आपने उसमें ओपन किया तो यहाँ पे दिखेगा, देखिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि गेट जियो सिम, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी दिखाई दे रहा है कि भाई जियो सिम होनी चाहिए ऑटोमेटिक साइन इन के लिए। चलो तो अभी काम करते हैं, इसे पहले तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब आप प्ले स्टोर खोलिए, वहां पे जियो ऐप लिख के जो भी माई जियो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले तो माई जियो ऐप इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे ओपन कीजिए। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि भाई और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, तो आप इंस्टॉल ऑल ऐप्स पे जाइए और जितने भी ऐप्स हैं उसे इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए सारे के सारे ऐप्स, जितने भी ऐप्स हैं। तो दोस्तों अब आपके सारे के सारे ऐप्स इंस्टॉल हो चुके हैं। आप माई जियो ऐप को ओपन कीजिए, उसमें जाके देखिए, सब में सारे ऐप्स में आपको ओपन दिखाई देगा, इसका मतलब सारे के सारे ऐप्स इंस्टॉल हो चुके हैं, डाउनलोड हो चुके हैं। अब आप सेटिंग में जाके पहले तो चेक कर लीजिए कि आपका जो सिम है उसमें VoLTE इनेबल्ड है कि नहीं है। अगर इनेबल नहीं है तो उसे इनेबल कर दीजिए। अब आप माई जियो ऐप ओपन करोगे तो उसमें आपको दिखाएगा कि भाई वेलकम टू योर डिजिटल लाइफ, लेकिन वो गेट माई जियो सिम का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी भी। वो इसलिए क्योंकि आपका वाईफाई अभी भी चालू है, आपको पहले तो वाईफाई बंद करना पड़ेगा। तो आप जाइए पहले सेटिंग में, उस अपना वाईफाई बंद कर दीजिए और नीचे जाके अपना जो डेटा है, डेटा मोड जो सिम कार्ड से डेटा होता है, इंटरनेट चालू होता है, उसे इनेबल कर दीजिए। जैसे ही आप उसे इनेबल करते हैं वापस से माई जियो ऐप खोलिए, उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है माई जियो उसे ओपन कीजिए और आपको दिखने लगेगा गेट जियो सिम। वाओ, फाइनली आ गया, उस पर क्लिक कर दीजिए। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, अब ये जो इंटरनेट है मेरा मोबाइल का ये बहुत ही स्लो है, तो मैंने क्या किया, ऊपर जाके जो सिम का जो डेटा है उसे बंद कर दिया और अब वाईफाई चालू किया ताकि स्पीड जल्दी से मिल जाए और जो आगे का ऑप्शन है वो फटाफट आ जाए। अरे वाह, चलो गेट जियो सिम आ गया, अब वाईफाई आप चालू कर सकते हैं। वो क्या, स्टार्टिंग में आपको डेटा से चालू करना पड़ता है। ये अब आ चुका है, ऑफर डिटेल आ चुकी है, एग्री एंड गेट जियो सिम, नीचे जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर दीजिए फटाफट। उसके बाद ये आपका लोकेशन पूछेगा, उसमें आपका जो भी स्टेट है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, अपना सिटी सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं सिटी के और स्टेट्स के भी, सारे ऑलमोस्ट हैं। नीचे दिख जाएगा कि भाई अवेलेबल इन योर सिटी है कि नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाइए, बाद में स्टेप्स लिखे हुए हैं, कुछ 5 स्टेप्स हैं। पहले तो अपना कोड जनरेट कीजिए, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, नियरेस्ट स्टोर पे जाइए, अपना सिम एक्टिवेट कीजिए और बाद में ऑफर लीजिए। वाओ, तो फाइनली योर एक्सक्लूसिव ऑफर कोड जनरेट हो चुका है, ये वैलिड है अप टू 7 अगस्त 2016। चलो फाइनली कोड तो जनरेट हो गया है, अब देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये सब जो लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी आप ले जा सकते हैं, और फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी है वहाँ पे,
ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी है, आप उसे भी ले जा सकते हैं। तो ये एड्रेस प्रूफ है, आप इसमें से लिस्ट देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, और आइडेंटिटी प्रूफ भी है, उसके बाद में आप नेक्स्ट कीजिए। फिर ये आपका लोकेशन देखेगा, सर्च करेगा, लेकिन मेरा तो कुछ बता नहीं रहा, तो ऊपर आप टाइप कर दीजिए अपना लोकेशन, ताकि ये आपको जो लिस्ट है अवेलेबल स्टोर्स की वो दिखा देवे। तो फाइनली 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो जनरेट हो चुका है कोड, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं वो अपने ने लिस्ट देख ली, और नियरेस्ट स्टोर की भी लिस्ट देख ली है। अब सिर्फ 2 काम और बाकी है, एक्टिवेट करना बाकी है सिम, और ऑफर अवेल करना बाकी है। तो दोस्तों, अब आप अगर बैग जाओगे और वापस से माई जियो ऐप खोलोगे तो वहां पे वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि वो वाईफाई अभी भी चालू है। लेकिन आप अगर उस वाईफाई को बंद करके डेटा मोड में वापस से जाके सेम टू सेम वही चीज अगर आप ओपन करोगे तो वहां पे गेट जियो सिम की लिंक दिख जाएगी आपको। हाँ जी, देख लिया, पूरा प्रोसेस समझ लिया। आई होप कि पूरा प्रोसीजर देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप वो जो बारकोड है वो जनरेट कर पाओगे। फिलहाल मैंने ये बारकोड जनरेट कर दिया है, मैंने आपको वीडियो में भी दिखा दिया था। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें आप पूछ सकते हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप पूरा वीडियो वापस से देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो, और आप जब वो प्रोसेस रिपीट कर रहे हो तब एक साइड में आप ये YouTube का वीडियो भी चालू रखिए, ताकि आप पूरा का पूरा प्रोसीजर बिना मिस्टेक आप फॉलो कर सके। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज का इस वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में ये आप फॉलो कर सकते हैं, रिलायंस जियो की सिम जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने फिलहाल तो Redmi Note 3 के अंदर जनरेट किया है, जिसका वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया। तो दोस्तों, मुझे यकीन है आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली उनके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन तो होगा ही, उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। जल्दी मैं लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया है तो उसे जल्दी से जाइए हिट कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल पे आ जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्दी लौटूंगा मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू टेक देखो।